तो देखो मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, तो कल सुबह जब मैं सो के उठा था तो मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, जैसे मोबाइल ऑन करके अपन इंस्टाग्राम चेक करते हैं, तो मैंने क्या देखा वहाँ पे, जो मेरा अकाउंट है वो इधर डिसेबल लिख के आ रहा था, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐसा ओपन नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा आई थिंक इंस्टा का कुछ गिलीच होगा, तो फिर मैंने वहाँ से बैक किया और मैंने व्हाट्सअप चेक किया, तो वहाँ पे कुछ बंदों के मैसेज थे कि भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम की आईडी नहीं आ रही वहाँ पे। तो मैंने देखा ये शायद कुछ दिक्कत हो गया अपने इंस्टाग्राम के साथ, तो मैंने फिर से ओपन किया इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे फिर से वही गिलीच दिखा रहा था, मतलब डिसेबल हो गया तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट। तो मैं समझ गया था कि इंस्टाग्राम अपना चला गया, तो फिर मैं थोड़ा सा देखा कि यार अब क्या करें। तो मैंने इंस्टाग्राम टीम से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने, मैंने उनसे बात भी की थी एंड उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारा इंस्टाग्राम को हम रिव्यू करेंगे एंड 24 घंटे में तुमको रिप्लाई देते हैं, बट 24 घंटे हो चुके और वो लोग कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे उधर। एंड फिर जब मुझे लगा कि चलो हाँ अकाउंट डिसेबल हो गया, तो मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं, मतलब मैं थोड़ी देर तो नॉर्मल था, चलो कोई बात नहीं इंस्टाग्राम तक चला गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अगर आना होगा तो अपन ट्राई करते आ जाएगा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे इसको। तो फिर जब मैं दोपहर को बार, मतलब जैसे दोपहर होता है, तो दोपहर में मैंने जब अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, तो मैं चला चलो इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम ही नहीं मिलता, मतलब अकाउंट ही नहीं होता। तो फिर मैं बैक कर देता, चलो गेम खेलते हैं, गेम खेलने में मन नहीं लगता, फिर मैं थोड़ी देर बाद भूल जाता कि इंस्टाग्राम तो चला गया, लेकिन मैं इंस्टाग्राम ओपन करता चलाने के लिए तो इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं मिलता। ये मेरे को काफ़ी बुरा लग रहा था बार बार, मैं शाम को भी, मतलब मैं बहुत बार इंस्टाग्राम को ओपन किया फिर अचानक से याद आता कि इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है अपना। तो मैं थोड़ा सा रहता था कि तुम लोग से कैसे बात करो यार, तुम लोग मतलब कहाँ चले गए तुम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं, फिर मैंने सोचा यार इतनी सी बात के लिए क्या वीडियो बनाए, लेकिन फिर गाइस जब मुझे आज सुबह लगा कि एक वीडियो बना के तुमको बता देना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम लोग की याद आ रही थी, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, जो मतलब तुम लोग से कनेक्ट, तुम लोग नहीं होते हो तो मुझे सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ यार, मतलब कुछ नहीं है ऐसा करके। तो मुझे मतलब फिर मैंने सोचा चलो एक अकाउंट बना लेते हैं, तो मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया था कि ये देखो तुम लोग सामने स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, तो ये अकाउंट मैंने अभी अभी बनाया और यहाँ पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारे, देखो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा, तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि तुम मुझे यहाँ पे फॉलो करो, मैं तुम्हारे सामने मतलब यहाँ पे रहूँगा नहीं, मतलब रहूँगा नहीं मैं, मतलब कि तुम अगर करना चाहो फॉलो तो कर सकते हो, क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे, अगर तुम पहले से फॉलोवर हो तो कर सकते हो। एंड यहाँ पे तुम मुझे 1K तक पहुँचा दो बहुत जल्दी, एंड मुझे पता तुम मुझे फॉलो करोगे अगर तुम मुझे पहले से फॉलो कर रहे थे। तो 1 मिनट अगर तुम्हारे पास अल्फा के लिए है तो ज़रूर फॉलो कर लेना, 1 मिनट मांग रहा ओनली, तो जाओ फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, बस इतना ही बोलना था तुम लोग को, और बाकी तुम लोग प्यार दिखा रहे हो। और एक और चीज़ बोलूँगा कि देखो जब मैं वीडियो बनाने का, मतलब कि मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो मेरा यूट्यूब वीडियो पे बनाने का कोई मन नहीं था कि यार किस टॉपिक पे बनाए, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ इंस्टा घूम रहा था, मतलब तुम लोग घूम रहे थे मेरे दिमाग में, तुम लोग कहाँ चले गए यार। तो अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो फॉलो कर लेना, बस यही बोलना था, बाय।